मनी मेकर में आपका भरदल स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्माक्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बेस्ट कंपनी है अमृतंजन्स हेल्थ केयर्स लिमिटेड। आप सबको पता होगा दोस्तों, अमृतंजन हम छोटे उम्र से ही देखते आ रहे हैं इसका हेल्थ केयर और इसका टूथपेस्ट और बाकी फार्माक्यूटिकल्स प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग नए हो, आप ही का चैनल है मनी मेकर, सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों। चलिए अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। 746.40 में आपका 1.73% का अप मूव के साथ आपका ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 27.15% फॉल है और 27% अंडर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देख सकते हो कि स्टॉक का बहुत ज़्यादा आपका पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा गिर चुका है और गिरने के बाद एक अच्छा खासा अभी रिट्रेसमेंट जोन और अच्छा खासा एक सपोर्ट में खड़ा है और -24% का आपका रिटर्न दिया है निफ्टी के कंपेयर में। पॉजिटिव मूव 11 है और 12 है नेगेटिव, तो अभी नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव मूव की तरफ जा रहा है कंपनी। चार्ट में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हाई एंड लो बना के जा रहा है और लो की तरफ, और यहाँ 700 रुपये के आसपास एक बहुत शानदार एक सपोर्ट लिया है। तो अभी 7746 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी धीरे धीरे आपका एक जो बाउंस आएगा 850 का पहले आएगा दोस्तों, और फिर जाके आपका 900 रुपये हिट होगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और इसका किस लिए आ गया है दोस्तों, कंसोलिडेट अगर क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो आपको देखने को पता चलेगा कि अभी यहाँ से ये अमृतंजन जो लिमिटेड शेयर है ये आपका मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया और अभी आपका जितने भी आपका सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू जो है 113 करोड़ का आपका कलेक्ट हुआ है, जो पिछले जून क्वार्टर में 74 करोड़ का था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 94 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कि पहले 3 करोड़ हुआ था, अभी 15 करोड़ हुआ है, तो मतलब 5 गुना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बुक किया है इस क्वार्टर में, तो अच्छा खासा एक तेज़ी आएगा। तो ऐसे ही आपको तेज़ी से पहले कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताता है तो आप ही का चैनल मनी मेकर है। जो लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और ऐसे ही एग्रेसिव टारगेट और वीडियो एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा है, एक क्वार्टर में इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। 14% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है, डिप्रिसिएशन 1.5 का है, इंटरेस्ट 0 है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देख सकते हो कि 17% है, जो पहले 5.3 हुआ करता था। नेट प्रॉफिट आपका 12%, मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा पिछले क्वार्टर के कंपेयर में नेट प्रॉफिट। तो ये बहुत अच्छी स्टॉक है दोस्तों अभी बन चुका है, क्योंकि आपका क्वार्टर रिजल्ट बहुत तगड़ा रिजल्ट आया हुआ है और उस हिसाब से आपका स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, स्टॉक प्राइस में भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 22% आपका लास्ट ईयर के कंपेयर में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, फिजिकल ईयर में 10.48% ग्रोथ हुआ है, क्वार्टरली रेवेन्यू देखा जाए तो 0.31% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। सेक्टर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर ईयर ऑन ईयर फॉर द क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। एनुअल नेट प्रॉफिट आपका 9.80% के ऊपर हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि 35.69% हुआ है। तो पॉजिटिव में आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी डेप्ट फ्री है और प्रमोटर प्लेज भी 0 है, तो एक बहुत शानदार आपका कंपनी है कि जिसमें प्लेजिंग 0 है, डेप्ट 0 है, तो डेप्ट फ्री कंपनी है, तो अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो लोग नए हों इस चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। 746 में आपको दिखाई दे रहा है और 50 डेज ईएम में आपका देख सकते हो 739 के ऊपर, 200 डेज ईएम के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फास्ट रेजिस्टेंस जो है 743 का है और बहुत जल्द इसको क्रॉस कर लेगा और कर भी चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस का किया नहीं है अभी भी, सेकंड रेजिस्टेंस आपको करेगा और फास्ट सपोर्ट है 726 में और 750 के ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से। और अभी RSI MFI दोनों आपका 58%, MFI 46% में और MACD ग्रीन में है 2.2, तो यहाँ से और एक बुल रन स्टार्ट होगा जिसमें RSI 58.5 और MFI 46.1 में है, तो अच्छा खासा एक बुल रन स्टार्ट होने वाला है 1 मंथ में 3.5%। तो अभी भी ज़्यादा भागा नहीं है, जस्ट भागने वाला है, तभी वीडियो बना के आपको पहले से अवेयर, पहले से आपको एक अच्छा खासा टारगेट के साथ ये वीडियो बना के आपको बोला जा रहा है कि अमृतंजन आप बाई कर सकते हो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करते हो, जिसमें DSP स्मॉल कैप फंड 4.3% होल्ड करके रखा है
और म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा चुका है, 5.94 से 6.06% सितंबर क्वार्टर में। तो अच्छा खासा बाउंस बैक के साथ ये स्टॉक जो है, आपको बोर्ड मीटिंग रिजल्ट और सब 4 नवंबर को हुआ है और 14 नवंबर को 1 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देने वाला है, रिकॉर्ड डेट है 15 नवंबर। तो अभी भी आप अपना देखो सितंबर में, देखो एक साल में कितने बार ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो 1 रुपीज़ के आधार में आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो जो लोग डिविडेंड के लिए भी बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। जैसे सितंबर नवंबर हर क्वार्टर में आपको दे रहा है, सितंबर में भी दिया है, नवंबर में भी इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, इससे पहले भी आपका एक डिविडेंड दिया है फरवरी में। तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तभी लिक्विडिटी ख़त्म करने के लिए कंपनी आपका इन्वेस्टर को डिविडेंड देता रहता है। तो 73% लोग बाइंग की राय दे रहे हैं, मेरा भी बाइंग का राय रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 840 का, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 900 का। तो जनवरी लास्ट तक 940 और 900 का टारगेट आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगा और 840 का टारगेट आपको दिसंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही अग्रेसिव टारगेट और वीडियो स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ आप बताना कौन सा स्टॉक में आपको रिकमेंडेशन चाहिए। और वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगे और एग्रेसिव टारगेट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे।